सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं महेश पाठक सीधाम वृंदावन से आप लोगों की सेवा में ज्योतिष के कुछ जानकारी आपको दे रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको मेष लग्न के बारे में बताया था। मेष लग्न क्या होती है, कैसी होती है, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, कौन सा ग्रह इसमें कारक होता है, कौन सा ग्रह इसमें कारक होता है, ये सब मैं आपको मेष लग्न में अध्याय एक और अध्याय दो में बता चुका हूँ। अब मैं आपको वृष लग्न के बारे में अब जानकारी दूंगा। इस लग्न के बारे में कहा है, वृष लग्न भवो लोके गुड़ है भक्त प्रिय बद गुणी कृति धनी लुब्ध सूर्य सर्व जन प्रिय। इसका मतलब ये होता है कि वृष लग्न में जिसका जन्म होता है वह जातक लौकिक गुणों से प्रेम करने वाला, प्रिय बोलने वाला, गुणी, धनी, लोभी, वीर, समस्त जन समुदाय का प्यारा होता है। ये वृष लग्न के बारे में हमारे शास्त्र में कहा गया है। कालपुरुष की कुंडली में प्रथम भाव में अगर वृष राशि हो तो वो वृष लग्न कहलाती है। आज विषय वृष लग्न है, इसकी हम आकृति बैल के समान होती है। हम इसी पर आज चर्चा आपके लिए करते हैं। जातक का कद ठिकाना होता है, पुष्ट होता है एवं स्थूल शरीर होता है, मेहनती, स्थिर विचार होते हैं, सज्जन होता है, धीर, शांत स्वभाव वाला, व्यक्तिगत स्वार्थ सुविधा वाला, इच्छा अनुसार कार्य करने वाला, ईर्ष्यालु, तेज स्मरण शक्ति, काव्य प्रेमी, कामी, चतुर, नीतिज्ञ, सभी कार्य गुप्त रखने वाला, मित्रों संबंधियों की सहायता से सांसारिक द्रव्य धन एकत्रित करता है, बैंकिंग, जवाहरात, सुगंधित तेल व्यवसाय, संगीत, भवन निर्माण, विज्ञापन, प्रचार व्यवसाय में सफल। भाग्योदय वर्ष इसके 25, 28, 36 और 42 होते हैं। इसके जो नेक्स्ट वर्ष हैं वो 1, 2, 8, 33, 44, 61 होते हैं। ऐसा जातक अगर महामृत्युंजय का जप करे तो 90 साल तक जीवित रह सकता है। कन्या वृश्चिक के साथ इसकी साझेदारी, मित्रता बहुत लाभदायक होती है। इसको गले संबंधी रोग होता है क्योंकि ये जो वृष राशि है ये कंठ का ही प्रतिनिधित्व करती है, तो जब कंठ का प्रतिनिधित्व करती है तो ये गले का रोग ही देती है, संभावना गले के रोगों की होती है। ये उत्तेजक जो पदार्थ होते हैं उसका सेवन इनको हानिकारक होता है। वृष लग्न के लिए सूर्य बुध शुभ फलदायक होते हैं। बृहस्पति अष्टमेश होता है इसलिए इनके लिए नुकसानदायक होता है, अशुभ होता है। चंद्र तृतीय से होता है तो वो भी इनके लिए हानिकारक होता है। शनि योग कारक होता है, नवम और दशम का स्वामी होता है और इनको शुभ फल देता है। शुक्र जो छठे भाव का स्वामी भी बनता है लेकिन लग्नेश होने के कारण वो अशुभ फल इनको नहीं देता है, क्योंकि लग्नेश और षष्ठेश, लग्नेश और अष्टमेश जो होते हैं ये कभी भी इनको अशुभ फल नहीं देते, क्योंकि लग्नेश जहाँ बैठेगा उस भाव की कभी हानि नहीं करता है। इस लग्न का प्रिय रत्न हीरा है जो आजीवन आप पहन सकते हैं। इसका जो उप रत्न है वो ओपल है, शुक्र की कुंडली में स्थिति के अनुसार आप इसे पहन सकते हैं। नीलम पन्ना इसको लाभदायक रत्न है। नीलम पहनने से पहले उसकी जांच बहुत ज़रूरी है, तो पहले नीलम अगर आपने एक साथ पहन लिया बिना जांच के तो आपको वो नुकसान भी दे सकता है। सूर्य इसके लिए चतुर्थेश बनता है, कारक है, इसके केंद्रेश है, सुखेश है इसके लिए, इसलिए उसको लाभदायक है। चंद्रमा तृतीयेश बनता है वो इसके लिए अकारक है। मंगल सप्तमेश केंद्रेश बनता है, द्वादशेश बनता है, व्यवेश है इसलिए वो इसके लिए लाभदायक नहीं है, लेकिन सप्तमेश होने से इसके लिए थोड़ा लाभदायक है, क्योंकि तुला वृष लग्न की जो जातक हैं उनकी शादी अगर मेष लग्न वाले से हो जाए तो वो लाभदायक होती है। बुध जो है पंचमेश बनता है, धनेश बनता है, इनके लिए कारक है, और गुरु अष्टमेश बनता है, अकारक है, ये आयुष भी बनता है, ग्यारहवें भाव का स्वामी, तो ये इसके लिए ठीक नहीं है। शुक्र लग्नेश है, षष्ठेश है, षष्ठेश होने का इसको दोष नहीं लगता इसलिए लग्नेश भी कारक है। शनि इसका भाग्य से नवम भाव का दशम भाव का स्वामी है, पूर्ण कारक ग्रह है, ये इतना कारक ग्रह है कि यही राजयोग बनाता है। राहु नवम में बैठे या द्वितीय भाव में बैठे तो लाभदायक होता है, अन्य किसी भाव में बैठे इस लग्न में तो वो नुकसान करता है। शुक्र बुध की युति धन योग बनाती है, अगर 6, 8, 12 में ना हो, शुक्र बुध की युति 6, 8, 12 में ना हो तो लाभदायक होती है, धन योग बनाती है। शुक्र शनि की युति भागवर्धक होती है अगर वो 8, 12 में ना हो, 8, 12 में शनि और शुक्र की युति होगी तो वो लाभ नहीं देगी।
शनि राहु द्वितीय और नवम में धनाढ्य योग गुरु से दुष्ट नहीं होना चाहिए, बड़ा धनाढ्य योग बनाते हैं। शुक्र शानो शौकत अच्छा प्रवेश टिपटाप जिंदगी देने वाला ग्रह है, शुभ भाव में लाभदायक होता है, इसके कम संतान का योग बनता है, क्योंकि पंचम में इसकी कन्या राशि होती है तो कन्या राशि भी कम संतान का योग बनाती है, क्योंकि अल्पसूत्र राशि कहते हैं, कन्या राशि कहते हैं अल्पसूत्र राशि, और वैसे भी जो वृष लगन है ये स्त्री लगन है तो इसके कन्या संतान की ज़्यादा संभावना होती है कि कन्या संतान इसके ज़्यादा होंगी। तो ये छोटा सा विश्लेषण वृष राशि का आपके सामने किया है, आपको कैसा लगा मुझे मेरे वीडियो में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। आप सबके सुझाव आमंत्रित हैं, मेरा नीचे फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप समय लेकर के मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं जिससे आपको भी असुविधा ना हो। मित्रों ये हमारा चैनल है यूट्यूब पे ज्योतिष सेवा आपके द्वार, आप इसे देखें और देखने के बाद हमें कमेंट करें, इसे हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि अगला आने वाला वीडियो आपको शीघ्रता से शीघ्र उपलब्ध हो। इसके साथ ही आज की जय जय श्री राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण।